कर्नाटक का नाटक जारी है। वैसे भी ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब सियासत में नाटक नहीं हो रहा होता है। अब तो इस देश के लोगों को आदत सी हो गई है इसकी। आप और हम रायशुमारी करते रहिए कि संविधान क्या कहता है, प्रेसिडेंस क्या है, फैसला तो अंततः अब जुगाड़ से ही होगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ने आज सीएम की शपथ ले ली। अब 15 दिनों के भीतर उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना है। कांग्रेस और जेडीएस सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसके खिलाफ गुहार लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट को कल इस मामले में फैसला सुनाना है, लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं के बराबर है कि येदियुरप्पा को फ्लोर टेस्ट से रोका जाएगा। अब सारे सवाल आंकड़ों के जुगाड़ के इर्द गिर्द सिमट गए हैं। सत्ता के लिए जोड़ तोड़ के इस खेल में किसी का दामन साफ नहीं है। जो आज बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस भी पहले कई बार कर चुकी है, और जिसकी दुहाई बीजेपी आज दे रही है उसी फॉर्मूले को वो खुद भी कई बार नकार चुकी है। ऐसे में सारे सवाल दोधारी तलवार की तरह हैं। वो बीजेपी को भी वही सवाल काटते हैं और कांग्रेस को भी। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे हम आज, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। येदियुरप्पा को मिली कर्नाटक की कमान। एक और राज्य में बीजेपी सरकार। कांग्रेस का वार लोकतंत्र पर प्रहार। वो कर्नाटक जिसको लेकर पिछले दो दिनों से काफी राजनीतिक दांवपेच खेले जा रहे थे, आज उसी कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल गया। दांवपेच और राजनीतिक उठापटक के बाद येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उधर कांग्रेस और जेडीएस के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा, हम जनता को बताएंगे कैसे बीजेपी लोकतंत्र का गला घोंट रही है। शपथ ग्रहण के बाद जब येदियुरप्पा से बहुमत को लेकर सवाल किया गया तो वो भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उन्होंने कहा, इंतजार कीजिए, हम 5 साल सरकार चलाएंगे। The matter is pending before the court. That is number one. Number two, we go to the people. Okay. And today we are making protest here. Okay. And we will go to the people and we will tell the people how the BJP people is supporting constitution and going against the provisions of the constitution. And they have no belief in democracy. They have no belief in parliamentary democracy. Nodi. ನಮ್ಮದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಹುಮತ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿಸಿ। बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस को प्रदर्शन करना है और धरना देना है तो उसे सिद्धरमैया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। उधर जाने माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने भी कर्नाटक के मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इसका अधिकार संविधान ने दिया है कि वो अपने विवेक से सही फैसला ले, और राज्यपाल के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस को कर्नाटक के 6.5 करोड़ जनता ने नकारा है। प्रोटेस्ट काय के लिए, यदि उनको प्रोटेस्ट करना है कांग्रेस को सोनिया जी के, राहुल जी के और सिद्धरमैया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। गवर्नर के अपने विवेक पर निर्भर करता है। संविधान गवर्नर को पूरी पावर्स देता है किसी को भी चीफ मिनिस्टर नियुक्त करने की, लेकिन गवर्नर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उनकी राय में, उनके जजमेंट में सदन के बहुमत का समर्थन पा सकने की स्थिति में हो। कर्नाटक में सरकार के गठन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आरएसएस के लोगों को सरकारी संस्थाओं में भेजा जा रहा है। आज कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं रही। मायावती ने बीजेपी पर बाबा साहेब के संविधान को बदलने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तो तब से इन्होंने हर स्तर पर अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की काफी हद तक हत्या कर दी है, और ये सिलसिला इनका अभी भी लगातार जारी है, जिसके अनेकों उदाहरण देश की जनता के सामने हैं।
अपने लोगों से कभी नहीं भरते थे। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस को भरा जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है? ये इंस्टीट्यूशंस हैं क्या? प्लानिंग कमीशन क्या है? विधानसभा क्या है? इससे पहले येदुरप्पा के शपथ ग्रहण से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, कर्नाटक में बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, फिर भी वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संविधान का मजाक है, भाजपा चाहे जश्न मना ले, लेकिन देश संविधान की हार का शोक मनाएगा। राहुल के इस ट्वीट का जवाब भी आया और वो भी खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने ट्वीट किया, लगता है कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी पार्टी का इतिहास याद नहीं। कांग्रेस की सीटें घटकर 78 रह गई हैं और सत्ता के लालच में वो 37 सीटों वाली जेडीएस के साथ हाथ मिलाने को राजी हो गई है। जिस पल कांग्रेस ने यह फैसला लिया, लोकतंत्र की हत्या तो उसी पल हो गई थी। बहुमत से दूर रहने वाली बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार तो बना ली है, शपथ ग्रहण भी हो गया है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी और येदुरप्पा के पास सिर्फ 15 दिन है। बीजेपी के पास अभी 104 विधायक हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस संख्या को 112 तक कैसे पहुंचाया जाएगा। अभी बीजेपी को विश्वास मत का अग्निपथ भी पार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। ये येदियुरप्पा नानो कानूनी तो सारे सवाल एक तरफ और राज्यपाल का विवेक, उनका डिस्क्रिशन एक तरफ। संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें इस तरीके से कि राज्य में एक स्थायी सरकार बन सके। और जो आंकड़े हैं जिसके आधार पर सरकार बनते बिगड़ते हैं, सरकारी सत्ता के समीकरण बनते बिगड़ते हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास आंकड़े नहीं हैं और दूसरी तरफ एक गठबंधन है जिसके पास आंकड़े हैं, और इन सब के बीच राज्यपाल का विवेक है। सवाल आप उठाते रहें लेकिन फैसला विवेक के आधार पे ही होगा। फिर भी जो सवाल हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे और उसके लिए जो मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में, पहले परिचय करा देते हैं आपका। के शुक्ला हैं हमारे साथ बीजेपी के और संजय सिंह कांग्रेस की तरफ से। बीडी नकवी बीएसपी का पक्ष रखेंगे और इसके अलावा मनोज पांडे और पीएम त्रिपाठी संविधान विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं और संदीप शर्मा पेशे से एडवोकेट हैं और संविधान की गहरी समझ रखते हैं। संविधान की समझ रखने वाले लोगों का एक बड़ा पैनल है आज और हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल जो फैसला करेंगे वो भी संविधान के दायरे में करेंगे और संविधान हालांकि उनको ये डिस्क्रिशन देता है लेकिन उसका इस्तेमाल वो बहुत जुडिशियस तरीके से करेंगे। कर रहे हैं कि नहीं, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। के शुक्ला, सरकार बन गई, आपकी शपथ ग्रहण हो गया, ये जबकि सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास नंबर्स नहीं हैं, आपके पास आंकड़े नहीं हैं, फिर भी आपने सरकार बना ली क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि राज्यपाल आपका फेवर कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कैसे जुटेंगे? देखिए रंजीत जी, राजनीति में बहुत चीजें परंपराओं के अंतर्गत चलती हैं। हमारे राष्ट्रपति नहीं थे, कांग्रेस के राष्ट्रपति के जो नॉमिनी थे वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और संख्या न रहते हुए भी सबसे बड़े दल के नाते शंकर दयाल शर्मा जी ने अटल बिहारी जी वाजपेयी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। अटल जी ने भी कोई ये नहीं कहा कि हमारे पास इतनी संख्या है, और जब अटल जी को निमंत्रण दिया तो उन्होंने स्वीकार किया। 13 दिन बाद सरकार गिर गई एक और उन्होंने वहां पर इस्तीफा दे दिया। ठीक है, वो परंपराएं इसके अलावा कई बार ऐसी हुई हैं जब, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने वो परंपरा कई बार तोड़ दी भाई, आपने तो मौका नहीं दिया मणिपुर में, गोवा में, देखिए वो भी उसका मेघालय में, वो मौका कहाँ दिया, कहाँ भी कहाँ कांग्रेस को आपने कहा कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन तो आप बना लो सरकार। देखिए रंजीत जी, लेकिन आप वो भी परिस्थितियां भी तो देखिए, गोवा में क्या हुआ,
गोवा में कांग्रेस ने अपना दावा ही नहीं प्रस्तुत किया, भारतीय जनता पार्टी ने दावा प्रस्तुत कर दिया। राज्य जब कांग्रेस का कोई दावा ही नहीं तो यहां तो दावा पेश कर रही है ना भाई कांग्रेस और जेडीएस जाकर के बाकायदा उन्होंने पूरी पूरी लिस्ट सौंपी विधायकों की कि कौन लोग उनके समर्थन में हैं और वो बहुमत का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिला? आप ये बताइए, कांग्रेस ने और जनता दल एस ने मिलकर के क्या कुमार स्वामी को अपना नेता चुना वहां राज्यपाल के यहाँ जाने के पहले? जो विधान है, जो व्यवस्था है कि आप अपनी एक बैठक करेंगे, उसमें अपना एक नेता चुनेंगे, नेता चुन करके राज्यपाल को बताएंगे, वो आपने नहीं किया। मैं इसका जवाब आप जवाब दीजिएगा, मैं बोल लूं, उसके बाद आपके सारे जवाब मैं सुन लूंगा। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं कांग्रेस के द्वारा डाली गई, जबकि कांग्रेस ने सारे मापदंडों को तिरोहित करते हुए छोड़ते हुए उन्होंने अपने इंटरेस्ट में काम किया और सरकार बनाते रहे। इनके राज्यपालों ने इस तरह के काम किया, चाहे वो हंसराज भारद्वाज हो और चाहे गुजरात के राज्यपाल रहे कृष्णपाल सिंह हो, जिन्होंने सबसे बड़े दल की सरकार को भंग करके अल्पसंख्यक कांग्रेस की सैकड़ों प्रेसिडेंट है इस तरह के कि किस किस तरीके से राज्यपाल के विवेक के नाम पे किस किस तरह का खेल होता रहा है, उसमें नहीं जाने का है। वो तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है, जब कांग्रेस के जो मनोनीत राज्यपाल थे उन्होंने क्या किया और अब आपके जिनको आपने नियुक्त किया राज्यपाल वो क्या कर रहे हैं, वो तो एक बहुत लंबी कहानी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको भी, जैसा कि आपने कहा अभी कि भाई हमको बड़ी पार्टी होने के नाते मौका मिला और हमने सरकार बना ली, और अगर संख्या नहीं मिलेगी तो इस्तीफा दे देंगे, मतलब तो ये विश्वास डगमगाया हुआ है ना भाई। दक्षिण में आपने कहा इतनी बड़ी जीत मिली हमें, कांग्रेस की इतनी बड़ी हार है, लेकिन उसका जश्न भी नहीं मना पा रहे हैं। आज आपने जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें ना प्रधानमंत्री गए ना कोई बड़ा नेता पार्टी का मौजूद था, इसका मतलब यह है कि ये ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। ऐसा मतलब आपका भी विश्वास बहुत पक्के तौर पर नहीं है कि आंकड़ा जुटा ही लेंगे। ऐसा है कुमार साहब, इसका भी क्लेरिफिकेशन बहुत साफ साफ आ चुका है कि चूंकि शपथ ग्रहण कल तक तय नहीं था कि राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल का निमंत्रण मिला, खाली येदुरप्पा जी ने शपथ ली है। जब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा संख्या बल दिखा 100 करने के बाद, तब इसका हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे, अन्य लोग भी जाएंगे, लेकिन हमने निश्चित रूप से लेकिन नतीजे नहीं आए थे उसी समय। हमने तो सुना था कि येदुरप्पा जी ने प्लान कर लिया था कि 17 तारीख को पहले ट्वीट आ गया था। तो भाई उन्होंने तो पहले से प्लान किया हुआ था और प्रधानमंत्री की तो प्राथमिकता में था भाई, 21-21 रैलियों के लिए उन्होंने समय निकाल लिया और इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी विजय जिसको आप जिसका दावा कर रहे हैं वहां पर आप शपथ ग्रहण के लिए भी समय नहीं निकाल पाए, कमाल है साहब। नहीं, आप जो स्थिति बनी है, जो अगर हमको स्पष्ट बहुमत आया होता, अगर हमारे पास संख्या बल पूरा होता, आप ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि आप बहुमत हासिल करेंगे, मतलब आपका भी विश्वास नहीं अभी है। नहीं, हमारा तो विश्वास है। देखिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण की है येदुरप्पा जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो बहुमत साबित करके रहेंगे, बहुमत साबित करेंगे, और वो भी क्यों? आप अच्छा, तो एक शब्द कांग्रेस ने दिया ठीक है, तो अगर आपको कोई आइडिया हो, मतलब या कोई, चूंकि अभी तो तय है कि भाई आप कह ही रहे हैं कि अब बहुमत तो साबित करना ही पड़ेगा, तो कुछ तो होगा ना, मतलब प्लान कि भाई क्या कर लेंगे। ऐसा है, आपको याद मैं दिला दूं, एक शब्द कांग्रेस की तरफ से राजनीति में इंट्रोड्यूस किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, अंतरात्मा की आवाज, याद है आपको? जब कांग्रेस के कैंडिडेट जो राष्ट्रपति पद के लिए बनाए गए थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने नजरअंदाज करते हुए बीबी गिरी को खड़ा कर दिया और अंतरात्मा की आवाज होती है तो बहुत सारे लोगों की अंतरात्मा की आवाज उनको सुनाई, और अंतरात्मा की आवाज में क्यों? क्योंकि कांग्रेस के भी 10 ऐसे विधायक हैं जो कुमार स्वामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज ये ऐसे ही जब सरकार बनना बिगड़ना होता है तभी क्यों सुनाई देती है? इसके पहले तो ना, इसके बाद कभी सुनाई देती है ना, इसके पहले कभी सुनाई देती है, मतलब इसका क्या कनेक्शन है सरकार बनने से? भाई ये तो ये शब्द और ये कार्यप्रणाली समझना चाहती हुई है, इस देश की जनता को भी समझना चाहिए ना भाई। देश की जनता जानती है, जिस अंतरात्मा की आवाज के जरिए इस देश में सरकारें बनती और गिरती है, वो उसका क्या कनेक्शन है भाई सरकार के बनने? देश की जनता और विशेषकर कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें दी, कांग्रेस को 78 सीटें दी, उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री बुरी तरह हारे और दूसरे विधानसभा से 1500 के आसपास वोटों से जीते।
उनके कई मंत्री भी चुनाव हार गए। ठीक है, एक पार्टी को आपको इस बात का अंदाजा भैया, मतलब इस बात में कोई आशंका है कि जो विधायकों को अंतरात्मा की आवाज सुनने में इस बार ज्यादा वक्त लगेगा, 15 दिन से कम नहीं उनको, मतलब हो सकता है कि एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, दो हफ्ता लग जाए उनको अंतरात्मा की आवाज सुनने में, इसीलिए ज्यादा समय आप इस बार आपने येदियुरप्पा जी का अभी शाम का एक स्टेटमेंट आ रहा था शायद प्रेस में, उन्होंने कहा है कि मैं 15 दिन नहीं, हाँ, मैं बहुत जल्द अपना बहुमत साबित करके दिखाऊं। मतलब ये है सेफ साइड चल रहे हैं, मतलब राज्यपाल को लग रहा है कि सेफ साइड चलना चाहिए, मौका दिया है तो मतलब ठीक है, समय भी देना चाहिए। ठीक बात है, मौका दिया है तो समय भी देना चाहिए। संजय सिंह भाई, आपके विधायकों को अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगी है क्या? हमने तो सुना कि तबियत खराब हो गई, हो सकता है बाहर निकले और अचानक से अंतरात्मा की आवाज उनको सुनाई देने लगे, तो मतलब वो सब कुछ, इनकी सारी उम्मीदें आपके विधायकों, आपके और आपके जो गठबंधन जो आपके सहयोगी हैं उनके विधायकों के अंतरात्मा की आवाज पे इनकी सारी उम्मीदें टिकी हुई है, तो मतलब कुछ आप लोग भी कुछ आकलन लगा पा रहे हो ना? ये तो बहुत बढ़िया है कि ये अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे और इन्होंने भाजपा ने ये अंतरात्मा की आवाज का एहसास राज्यपाल को भी करा दिया। हाँ। और राज्यपाल साहब ने इन लोगों को निमंत्रण दे दिया भाजपा को सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, शुक्ला जी ने कहा कि इन्होंने राज्यपाल के पास ये गए ही नहीं, कांग्रेस ने नतीजे आने के तुरंत बाद बिना शर्त जो है जेडीएस को समर्थन दिया। अब रहा गठबंधन और अनैतिक गठबंधन की जो बात हुई, तो जितनी भी गठबंधन की सरकार प्रदेशों में चल रही है भाजपा की, वो सारे गठबंधन चुनाव के बाद ही हुए। और एक विचारधारा की लड़ाई भाजपा से हमारी है, हमारा वोट शेयर और जेडीएस का वोट शेयर लगभग समान है। हमने तुरंत जो है बिना शर्त जेडीएस को समर्थन दिया। और लेकिन मतलब एक कारण ये था कि हमारा विचारधारा का विरोध तो है ही है, विचारधारा का विरोध। येदियुरप्पा साहब जो है पूरे चुनाव में आपने इस जेडीएस को बीजेपी की बी टीम बताया भाई, कोई ऐसा मौका नहीं, कोई ऐसा मंच नहीं था जब आपने ये नहीं कहा कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल। और अभी नतीजे आए भी नहीं थे कि मतलब वो आपके सहयोगी हो गए जी। मैं अपनी बात रख रहा था, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री का चेहरा थे भाजपा का, और हमारा येदियुरप्पा को विरोध करने का भी एक कारण था जिसके लिए हम जेडीएस के पास गए। येदियुरप्पा पे बहुत बड़े बड़े चार्ज लगे हैं और उनके जो एसोसिएट हैं वो खनन माफिया हैं, और वो इस चुनाव में पूरी तरह से बड़ी बेशर्मी के साथ येदियुरप्पा उनको लेके घूमे, उनके पैसे का चुनाव में इस्तेमाल हुआ। और ये जो अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही है, उसी पैसे का इस्तेमाल जो है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, ये विधायकों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अच्छा। और ये पूरी कोशिश है, एक हफ्ते का समय राज्यपाल से मांगा गया था, राज्यपाल जी भी जो है वो अभी भाजपा के मुंह से बाहर नहीं निकल पाए हैं, संवैधानिक संस्थाओं के वो संरक्षक हैं, इस बात का उनको एहसास नहीं है। उन्होंने जो फैसला लिया, दो तरीके हो सकते थे, उन दोनों तरीकों से हट के उन्होंने फैसला ले लिया। राज्यपाल को इधर विगत में जितनी भी बुराइयां रही होंगी आमंत्रण को लेके या सरकार बनाने को लेके, उन बुराइयों को दूर करने के लिए तमाम अमेंडमेंट्स हुए, और उसके बाद उन अमेंडमेंट्स के आधार पे दो ऐसे निष्कर्ष हैं जो राज्यपाल को देखना चाहिए था। उसमें एक था कि अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कि राज्यपाल जब ये श्योर ना हो पाए कि कौन सरकार 5 साल चला पाएगा, तो वो सबसे बड़े दल को आमंत्रण दे सकते थे, लेकिन जब दो दल एश्योर कर रहे हैं गठबंधन में आने के साथ वो पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें हो रही हैं, तो राज्यपाल को ये पूरी तरह से एश्योर होना चाहिए था कि ये सरकार जो है, ये दो दल सरकार चला सकते हैं, 5 साल की स्थिर सरकार दे सकते हैं। मगर राज्यपाल अभी भाजपा के मुंह से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान आरएसएस में नहीं सिखाया जाता है। अच्छा। और वो आरएसएस की जो शिक्षा दीक्षा है, उससे अभी बाहर निकल नहीं पाए हैं, और इसी वजह से उन्होंने भाजपा को आमंत्रण दिया। आपको इसमें क्या दिक्कत लग रही है कि भाई ठीक है, वो सबसे बड़ी पार्टी थी, उनको मौका दिया गया, और अगर वो अपना बहुमत साबित करते हैं तो ठीक है, बनाए सरकार, नहीं अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आपके पास तो बहुत दिक्कत ये है कि हम जो है भ्रष्टाचार, येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार, रेड्डी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे थे, हम जेडीएस के साथ गए। राज्यपाल जो है वो संविधान का संरक्षक होता है, भ्रष्टाचार रोकना और हॉर्स ट्रेडिंग रोकना भी राज्यपाल का काम है। अच्छा। अगर
लगता है कि 104 दल 104 विधायक लेके और 113 112 की संख्या तक जाना, 8 विधायक को साथ में लाना, जहां की दो तिहाई विधायक अगर अलग होंगे तभी मान्यता मिलेगी, उससे कम विधायक पे मान्यता चली जाएगी। राज्यपाल ने आमंत्रण दिया है तो निश्चित रूप से विधायकों की मान्यता चली जाएगी, और पहले दिन से ही एक बैसाखी सरकार को आमंत्रण देना राज्यपाल की मंशा पे सवालिया निशान खड़ा करता है, इसलिए हमें कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ठीक बात है। लेकिन अवसर, जहां तक बात ये है ना कि अवसरवादिता की बात आप कर रहे हैं कि भाई वहां उन्होंने ऐसा कर लिया और अब अपनी बारी आई तो अब दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन ठीक बात है कि अवसरवादिता पॉलिटिक्स में अभी उसका जवाब आपने ठीक नहीं दिया कि भाई कि जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े और अभी नतीजे आए नहीं, जैसे ही आपको लगा कि आप सरकार में नहीं आ सकते हैं आपने उनको समर्थन दे दिया, देखिए आप भी एक तरह की राजनीतिक अवसरवादिता। रंजीत जी, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में मजबूती तभी आएगी जब कानून में सुधार होते रहेंगे, और एक देश एक कानून की स्थापना होनी चाहिए, और विगत एक वर्षों में जो परिभाषा सुविधा अनुसार माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए कर रही है, सुविधा अनुसार जो परिभाषाएं आज कोई नई नई गढ़ी जा रही है ना संजय सिंह, ये परिभाषाएं बहुत पहले से इसी तरीके से सुविधा अनुसार चलती रही है। मैंने वही बात कही कि राज्यपाल राष्ट्रपति कानून का संरक्षक है, और समय समय पे कानून में सुधार, इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए सुधार किया गया है, ठीक है, और 90 से पहले जो कमियां हैं 96-97 के बाद जो कानून में सुधार हुए वो इसीलिए हुए कि जो 90 से पहले कमियां रही उसमें सुधार हो, दल बदल कानून दो तिहाई विधायकों के साथ दल बदल को ही मान्यता मिलेगी, ये सब उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए किया गया। आज उसका पालन अनुपालन भाजपा सरकार और राज्यपाल नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है, अब ये सारे सवाल है कि लेकिन अभी भी इस तरीके से जोड़ तोड़ कैसे मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे कि और क्या सुधार करने की जरूरत है। फिलहाल बीडी नकवी के पास चलते हैं। फिलहाल बीडी नकवी जी, भाई आपकी पार्टी तो ठीक है, वहाँ एक विधायक है आपके, लेकिन आपने एक नैतिक समर्थन दिया जेडीएस को, और आप खुद, आपका बैकग्राउंड जुडिशियरी का रहा है, तो मतलब ये जब उम्मीद की जाती है कि भाई राज्यपाल को बहुत जुडिशियसली इसमें काम करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने उस अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया, या जैसा कि अभी कह रहे थे संजय सिंह की, वो दिल दिया है जान भी देंगे, मतलब अब मौका दिया है तो समय भी देंगे, क्या मामला हो रहा है? रंजीत जी, आज हम यहाँ इस पैनल बैठे हुए हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जहाँ डेमोक्रेसी इन क्वेश्चन इस तरह हो गई है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इस बात का अंदाज़ा इसकी अहमियत इस इशू की इसलिए भी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रात में खोला गया और दूसरी बार ऐसा हुआ कि रात में उस पर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट अगर रात में सुनवाई करने मजबूर हो रहा है और वो कर रहा है तो उसकी चीज़ों को हमें सुनवाई तो कर रहा है लेकिन रोक नहीं लगा रहा है ना। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है ऐसा है इस मामले में, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक नहीं लगाई, लोगों के जहन में सवाल हो रहा है। इस मामले में हमारे सामने एसआर बोमई केस है 1994 का, एसआर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ प्रिंसिपल ले डाउन किए गए, उसमें मेन प्रिंसिपल ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइज होगी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, उनका अपना विवेक रहेगा, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन जो मटेरियल दिए जाएंगे जो 356 में कोई जो गवर्नर की रिकमेंडेशन होगी या प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी, जो मटेरियल किस बेसिस पर गवर्नर ने रिलाई करा अपने डिसीजन को, अपने सेटिस्फेक्शन को, वो देखेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और आप ये देखिएगा कि इसके अंदर जो मिसगिविंग्स हो रहे, अगर 3 गवर्नर मणिपुर गोवा और इन सबके अगर ये फैसला ना करते और मिनोरिटी इस तरह से छोटी पार्टी को ना बुलाते तो आज ये सवाल पैदा नहीं होता। तो हम मेजोरिटी पार्टी को बुला लिया, उन्होंने मांगा 7 दिन, आपने दिए 15 दिन, आपने जल्दी क्यों की, एक आध दिन में सब तरफ टटोल लेते, पूछ लेते कि भाई आपके पास कहाँ है, आपने 104 के साथ और कहाँ है एंटी डिफेक्शन, हमारे बिरधा ने अभी बात की एंटी डिफेक्शन बिल में जब ये है कि कोई पार्टी डिफेक्ट नहीं कर, कोई एमएलए नहीं कर सकता, लेकिन रास्ते तो और भी है ना भाई, रास्ते तो और भी है, देखिए कुछ लोग एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ लोग इस्तीफा दे देंगे, रास्ता ये है, अंतरात्मा की आवाज, देखिए रास्ता ये है, सुन लेंगे, देखिए रास्ता बिल्कुल साफ है, मैंने तो अपने फेसबुक पे ट्वीट फेसबुक पे लिख दिया है, हम सरकार बनाने के बाद हम एमएलए को टेरोराइज करेंगे, देखो भाई हम हाउस को हम डिसॉल्व करा देंगे, हम इस तरह की जो बातें हैं या हम तुम्हें पैसे से खरीदेंगे, इतना पैसा देंगे, ये सब बातें देखिए जग जाहिर है, कोई हम कोई नई बात नहीं करेंगे यहाँ बैठ के।
सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मैटर सब जुडिस है इसका दो तीन दिन में देखिए फैसला कैसे आने वाला। मुझे उम्मीद है कि टेम्पल ऑफ जस्टिस में जो बात हो रही है जो होने जा रहा है उसके हिसाब से येदियुरप्पा जी लूज करेंगी ऐसा लगता है फिलहाल। अब वो तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे कौन से कंडे अपनाए जाएंगे किस कितने एमएलए को रिजाइन कराया जाएगा या और कितना पैसा किसको दिया जाएगा। अब इज्जत तो यही है कि बेंगलोर में तो ये है कि जनता करती जनता कर रही है शोर भागो भागो आए चोर तो केरल में जाके छुपाया जा रहा है इस तरह से चीजें हो रही है और सामने जनता देख रही है। ठीक है तो इस तरह से ये चीज जो हो रही है वो गलत है। पीएम त्रिपाठी पीएम त्रिपाठी ये हमने देखा कि भाई जिस तरह की आज इतने सवाल जो उठ रहे हैं राज्यपाल के विवेक और उनके जो डिस्क्रिप्शन को लेकर के सवाल उठ रहा है कि भाई इतना समय क्यों दिया गया इसको इसको क्यों नहीं बुलाया गया यहाँ जब नंबर दिख रहे थे तो उनको क्यों मौका दे दिया गया इस तरह के क्या हम इस तरह का कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकते हैं जिसमें कि ये प्री डिफाइन हो हम पहले से परिभाषित कर दें कि क्या परिस्थिति होगी तो क्या करना चाहिए ये विवेक राज्यपाल के विवेक पे क्यों छोड़ा जाना चाहिए और क्यों नहीं हम इन तमाम इस तरह के जो जोड़ तोड़ और जो ये खरीद फरोख जैसे तमाम जो चीज़ें हो सकती है या होती ही है पक्के तौर पे कहा जा सकता है हमारे पास सबूत नहीं है लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि इसमें होता ही है तो ये इस तरह की आशंकाओं और संभावनाओं को हम क्यों पैदा कर देते हैं हम इसको क्यों नहीं डिफाइन करते हैं क्यों नहीं करना चाहिए अगर नहीं कर पाए अभी तक। आपका प्रश्न बहुत समीचीन है लेकिन भारत जैसे एक बड़े जागरूक और जीवंत लोकतांत्रिक देश में ऐसी किसी भी परिस्थिति का आप ठीक ठीक सटीक पूर्वानुमान लगा करके कोई एक लीक से बंधी हुई व्यवस्था लिख कर परिपाटी में नियम कायदे से बांध कर नहीं रख सकते। अच्छा तो किसी न किसी संस्थान को पद को आपको कुछ न कुछ विवेकाधिकार देने पड़ते हैं ताकि जब ऐसी कोई विषम परिस्थिति आए तो वे अपने विवेक के आधार पर नियम कानून संविधान व्यवस्था के तहत जो भी उचित निर्णय है वो लें। ठीक है आज समस्या ये है कि कांग्रेस पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अब कांग्रेस जब लोकतंत्र की हत्या की बात करती है जब कांग्रेस कहती है कि संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो कितने उदाहरण हैं पिछले 70 सालों में जिनकी एक लंबी सूची है तो उसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि तुमने ही इन खेतों में इंसानों के सर बोए थे अब जमी खून उगलती है तो हैरान क्यों तुमने जो परिपाटी खींची आज उसका ही दंश आपको भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी जो कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस पार्टी विद अ डिफरेंस यू आर नॉट अ पार्टी विद अ डिफरेंस यू आर अ पार्टी विद अ प्रेफरेंस। ठीक बात आपने फिर वही किया जो आप कांग्रेस को गलत मानते थे जो आप कहते थे कि आपने जब ये जनसंघ हुआ करते थे जब आप भाजपा बने जब आपने ये कहा कि हम संवैधानिक शुचिता संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने वाली पार्टी के रूप में कार्य करेंगे आपने भी षठे साठ्यम समाचारेत की नीति अपनाई। कहीं बेहतर होता कि आप एक बड़े इतिहास पुरुष के रूप में उस भविष्य के पूर्व दृष्टांत का निर्माण करते कि बावजूद इसके कि आप कर्नाटक के चुनाव में बड़ी संख्या में जीत कराए लेकिन बहुमत से दूर रह गए बावजूद इसके कि कांग्रेस जेडीएस इन सब ने एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन किया लड़ाई लड़ी चुनाव के जंग में एक दूसरे के ऊपर शत्रु की तरह से कार्य करते हुए प्रचार किया लेकिन जब चुनाव के परिणाम आ गए और किसी को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देने की घोषणा कर दी। तो क्या दिक्कत थी अगर एक हफ्ता 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना रुक जाते राज्यपाल इनको बुलाते इनका बहुमत साबित हो जाता तो 2-4 महीने ये सरकार चलती अपने आंतरिक विरोधाभासों से जेडीएस की कांग्रेस की मिलीजुली सरकार गठबंधन के द्वारा नहीं आंतरिक विरोधों से खुद गिर जाती क्योंकि ये गठबंधन नहीं था ये तो ठगबंधन था जिसमें आपने दूसरे की आंख में झूल धोकने के लिए अपने ही को अंधा कर लिया था। तो 3-4 महीने बाद अगर ये होता और तब बीजेपी सरकार बनाती तो इन आरोपों और तोहमतों से बच सकती थी। ठीक बात है हम इस तरह की उम्मीद करते हैं करनी चाहिए। इस पे जो आपने प्रश्न पूछा एक हमारे राष्ट्रपति हुए आर वेंकट रमन साहब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स उसमें उन्होंने सबसे पहली बार 1989 में उस परंपरा को अभिकथन के रूप में स्थापित किया एज अ कन्वेंशन कि अगर किसी भी एक दल को संघ में या राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए हमें एक नियम प्रक्रिया इस व्यवस्था के तहत अपनानी चाहिए कि सबसे पहले उस दल के नेता को आमंत्रित करें सरकार बनाने के लिए जो चुनाव पूर्ण गठबंधन किया हो
यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर उस दल के नेता को आमंत्रित करें जो चुनाव बाद हुआ हो। यदि ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है तो फिर किसी भी उस राजनीतिक दल के नेता को आमंत्रित करें जो राज्यपाल के विवेक और दृष्टि के अनुसार सदन में बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, और यदि कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाता तो फिर पुनर्निर्वाचन के लिए जाए। ठीक, लेकिन इसका अनुपालन सिर्फ बातों में ही होता है। लेकिन जैसा कि आपने बहुत ब्रॉड जैसा कि आपने कहा अभी आपने आर वेंकटरमन का हवाला देते हुए आपने बताया ना कि भाई एक ब्रॉड आउटलाइन तो उन्होंने दिया ही, और मुझे लगता है कि अगर इसी को अगर ध्यान में रख लिया जाए तो भी समस्या से शायद हम निकल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम कोशिश करें, अगर हम चाहें तो कुछ इस तरह की व्यवस्था जरूर बनाई जा सकती है जिससे इस तरह की, मैं कहना रंजीत जी ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे और फिर मेरी चाल देख ले। जब तक आप मुझे सत्ता में नहीं बैठा रहे हैं, जब तक मेरे पास ताकत नहीं है, जब तक मैं संवैधानिक शक्तियों से ओतप्रोत नहीं हूं, तब तक मैं ये सब आपको सारी बातें कहूंगा। लेकिन हाँ, बताऊंगा सही बात। लेकिन ये डिस्क्रेशन सबको प्यारा है। जो सरकार में आता है, जो सरकारें रहती है, उनको लगता है कि ये डिस्क्रेशन जरूरी है, क्योंकि इस डिस्क्रेशन का ही इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करते हैं। ठीक बात है। मनोज पांडे, पीएम त्रिपाठी कह रहे थे कि भाई ठीक है कि बहुत मुश्किल है कि जो राजनीतिक हालात या समीकरण कई बार चुनाव के बाद उभर के आते हैं उसको हम कई बार पहले से उसका प्री कॉन्सेप्शन उसका बहुत मुश्किल है कि हम कैसा होगा तो कैसा करेंगे, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोटे तौर पर हम चीज़ों को एक उसका आउटलाइन तैयार कर सकते हैं जिससे कि इस तरह की परिस्थितियों में हम इस तरह के सवाल, इस तरह की के आशंकाओं और उससे हम बच सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि वो समय अब आ गया है? चूंकि हमने देखा कि गोवा, मणिपुर और मेघालय और अब कर्नाटक लगातार एक सिलसिला सा चल पड़ा है, जहां भी मेजॉरिटी नहीं आ रही है क्लियर कट, वहां किसी न किसी तरीके से इस तरह के मैनिपुलेशन हो रहे हैं और उस पर सवाल बने रहते हैं। अब क्या आपको नहीं लगता है कि वक्त आ गया है कि जब इस पर एक बहुत कंक्रीट बहस होनी चाहिए और इस पर कोई फैसला होना चाहिए? रंजीत जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न भी किया, और पहले तो कर्नाटक की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था ला करके खड़ा कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र और नैतिकता दो प्रश्न पैदा हो गए और उस पर बहस चल पड़ी। देखिए, अगर आप देखें, जब तक सरकार नहीं बन जाती है तभी तक ये सारे सवाल हैं। और आपको एक बड़ी बात बताएं, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, जब देश हमारा गुलाम था तो मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी पंच परमेश्वर, और उसमें एक जुम्मन मियां हुए, और नैतिकता के नाम पर जब जुम्मन मियां को फैसला करना हुआ तो उन्हें लगा कि नहीं, वो परमेश्वर है और उन्हें पंच के रूप में, परमेश्वर के रूप में फैसला देना है। ठीक बात है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद अगर आप देखें तो अब किसी भी राजनैतिक दल को, कोई भी हो, फिलहाल संवैधानिक बातें छोड़ देते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल को अभी अधिकार नहीं बचा है कि वो नैतिकता की दुहाई दे। ठीक बात है। ठीक है। और लोकतंत्र नैतिकता के आधार पर चलता है। ठीक बात। तो पहली बात कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, अगर लोकतांत्रिक रूप से आप देखें तो अब राजनैतिक रूप से वो बैंक करप्ट हो चुका है, नैतिकता कहीं बची नहीं है। और जो भारत का संविधान है, अगर उसकी प्रस्तावना में आप जाएं तो इसे भारत के लोगों ने आत्मार्पित किया है। अभी हमारे बसपा के माननीय साथी बता रहे थे साहब मुंबई का केस, और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं देखेंगे, डिस्क्रिशन की बात आई, नो डाउट डिस्क्रिशन है, लेकिन पंच परमेश्वर के रूप में। अब पंच परमेश्वर का डिस्क्रिशन तो बड़ा कठिन है, बड़ा दल है, स्वाभाविक है, उन्होंने उनको बुलाया, बुलाने की एक परंपरा है, परंपराओं के अनुसार बुलाया, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, अगर लोकतंत्र के रूप में आप देखें, संवैधानिक रूप में देखें, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़े डिबेट का विषय है। और मैं अपने साथी प्रशांत जी से एग्री हूँ कि इस चाहे लोकतंत्र में जितना नियम आप बना लें, चूंकि
लोकतंत्र में लोकमत से सरकारों कुछ बनना है तो नियम चाहे जितना बना लेंगे, देखिए वन थर्ड का नियम बना तो अब सात अब वन थर्ड का नियम था फिर बना बना, लेकिन अब आप देख लीजिए उसका उससे बेहतर हुई है ना। कुछ लोग इस तरीके से पहले जोड़ तोड़ हो जाता था गठबंधन कि पार्टी कोई और जीती और उसके बाद पूरे के पूरे पांच सांसद भी या पांच विधायक भी इधर के उधर हो गए और कहानी बदल जाती। लीजिए साहब तो वो चीजें तो खत्म हुई है ना, बन गया। हाँ। अब उसके उसके जो रिपरकशंस हुए, जो अपवाद ढूंढे गए वो दूसरे ढूंढ लिए गए। अब उनको अब करा दो, उनसे इस्तीफा दिला दो। और हार्स देखिए, लोकतंत्र में अगर हार्स ट्रेडिंग होगी तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, कोई भी होगा, किसी भी राजनीतिक दल के लिए। ठीक बात है, एक बात। दूसरी बात कि अगर बहुमत नहीं मिला है, प्री पोल पोस्ट पोल जो भी अलायंस है, तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि महामहिम महामहिम जी को थोड़ा सा रुक करके देखना चाहिए था कि कहीं हार्स ट्रेडिंग को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा। मिल ये स्वाभाविक है कि जिस दल को पहले महामहिम जी बुलाएंगे, ठीक बात, पक्ष उसका पक्ष मजबूत रहेगा और हार्स ट्रेडिंग की संभावना। संदीप शर्मा, क्या आप इस बात से आप भी सहमत हैं कि एक एक बड़ी पार्टी के मुकाबले जब एक गठबंधन जिसके पास की क्लियर कट मेजोरिटी दिखती है, उसके पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके पास वो ताकत है, वो आंकड़े हैं, बावजूद इसके हम सबसे बड़ी पार्टी को मौका दे रहे हैं जिसके पास आंकड़े नहीं दिखते हैं, अगर हम इस तरीके से फैसला करते हैं तो क्या हम वाकई हॉर्स ट्रेडिंग या जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त और इस तरह के जो तमाम हथकंडे हो सकते हैं उसको हम अपनाने के लिए एक तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो मुकदमा दायर किया है वो किस बात के लिए दायर हुआ है। मुकदमा सिर्फ इस बात के लिए दायर हुआ है कि जो नोटिफिकेशन 16 मई 2018 यानी कि एक दिन पहले का है, जिसमें येदुरप्पा जी को गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने इन्वाइट किया था, ठीक है, उसको इन्होंने चैलेंज किया है हमने कांग्रेस पार्टी ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के लेटर्स यानी 15 मई 2016 और 16 मई 2016 जो कि भाजपा कहती है हमने पहले दिया था और कांग्रेस कहती है नहीं साहब हम पहले गए थे, हमने पहले अपना लेटर दिया था, ठीक है। हाँ। इन दोनों लेटर्स को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 7:45 वैसे ही हो रहा है और 13:30 घंटे के बाद सुबह 10:30 कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। 10:30 ये बात वैसे ही सबके सामने आ जाएगी कि किसने पहले दावा पेश किया था, तो जिसने दावा पहले पेश किया उसको गवर्नर ने इनवाइट किया है या गवर्नर ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इनवाइट वो इस्तेमाल किया है, जो कि हमारा संविधान माने इनको गवर्नर साहब को ये पूर्णतया अधिकार देता है कि ये उनका सोल डिस्क्रिशन है कि वह किसको इन्वाइट करें टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन सिर्फ इसमें देखना इतना है, जिसको भी वो इन्वाइट करें क्या वह गवर्नमेंट बनाने के लिए सक्षम है, इसका फ्लोर टेस्ट होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उस पर किसी प्रकार की कोई अभी टिप्पणी करना मेरी समझ से जरूरी नहीं। ठीक बात। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि जब ये डिस्क्रेशन, जब हम गवर्नर को इस तरह का डिस्क्रेशन या विवेक पर आधारित तो उनको एक फैसला लेने का हम अधिकार देते हैं, तो क्या मतलब जिस तरीके से हाल के दिनों में हमने देखा कि भाई सबसे बड़ी पार्टी बनकर कोई और आ रही है और सरकार बनाने का मौका किसी और को मिल जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार जो जनता, जो पब्लिक मैंडेट है, जो आम जो जिसको कहते हैं कि जनता का जो फैसला है उसके खिलाफ कई बार फैसले हो रहे हैं इस तरीके से राज्यपाल के विवेकाधिकार के जरिए? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नो डाउट, इसमें कोई मैं इस बात के लिए नहीं एग्री करता, लेकिन सिर्फ इतनी चीज है कि जो व्यक्ति पहले गवर्नर के पास गया और गवर्नर ने अपना विवेकाधिकार उसमें इस्तेमाल किया, गवर्नर साहब ने ये सोचा साहब ने ये गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्षम है, उन्होंने एक लिस्ट ऑफ अपने सपोर्टिव वो दे दिए कि इतने लोग हमारे सपोर्ट में हैं जिससे हमारी मेजोरिटी सिद्ध हो जाती है, अब गवर्नर साहब का डिस्क्रिशन रह जाता है कि वह क्या इस पे एग्री होते हैं या एग्री नहीं होते हैं। अच्छा, आम जनता की बात है, देखिए साहब यहाँ हम लोग बैठे हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि बंद लफ्जों में कही जाए तो ज्यादा बेहतर है, और चूंकि मैं खुद जो भाई लीगल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूं तो मुझे ये लगता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन होगा, विच इज दी भाई हमारा टेम्पल है वो, उसका जो भी निर्णय होगा उसके आने के बाद अगर मैं इस विषय में कोई टिप्पणी करूं तो ज्यादा बेहतर। एक सिर्फ संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा, जो कल फैसला आएगा क्या उसमें इस बात की कितनी गुंजाइश या जो भी कहें आशंका कहें कि येदुरप्पा को फ्लोर टेस्ट से रोका जा सके, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं होगा ना, रोका नहीं जाएगा। हाँ। देखिए अगर रोका जाना होता तो मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण का ही स्टे लगा दिया जाता। इसका मतलब ये है कि अब विधानसभा के पटल पे फैसला होगा कि उनके पास बहुमत है कि नहीं। ठीक बात है। ब्रजेश मिश्रा, कैसे देखा जाए ये जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, सवाल ये है कि जनता चुनती है अपने विधायकों को और पार्टी उसके पहले प्रचार करती है, मैनिफेस्टो जारी करती है, बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और उसके बाद अचानक से वो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और सिर्फ आंकड़े रह जाते हैं, न कोई मुद्दे की बात करता है, न उन वादों की बात करता है, न उन जो और भी बहुत सारी बातें होती है जो चुनावों में, जिसका जिक्र करना भी बेकार है, वो तो खैर बाद में उसकी चर्चा नहीं हो तो बेहतर है, लेकिन जिन मसलों पर जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है वो सब हवा हवाई हो जाते हैं, सब गौण हो जाते हैं, सिर्फ आंकड़े महत्वपूर्ण रह जाते हैं। भाई ये हम किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें कि आप चाहे चुनाव जैसे भी लड़ने हैं जैसे चुनाव लड़ लीजिए, जैसे जो आंकड़े एक बार लेकर आ जाइए और उसके बाद फिर सारी चीजों को भुला करके अब अपना सत्ता के गणित में लग जाइए, जिसका जो गणित जिसका फिट हो गया वो अपना सरकार बना लेगा। तो मतलब एक तरीके से तो मजाक है ना कि भाई जो जनता पब्लिक के मैंडेट और उसकी जो बात करते हैं वो सब तो उसके उसमें बहुत दम नहीं रह जाता। देखिए बहुत हीटेड डिबेट है देश में, हाँ, इसलिए बहुत भ्रम पैदा हो रहा है। हाँ, इसमें एक मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसमें एक निरंतरता है। हाँ, निरंतरता इस बात की है कि गवर्नर का जो पद है, हाँ, वो आजादी के बाद जब गवर्नर का पद बना, राष्ट्रपति का पद बना, हाँ, तो संविधान निर्माताओं ने इस बात पर बहस की थी कि क्या इन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, तो फिर ये चुना गया कि नहीं इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। हाँ, गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक बात। हाँ, जो अपने हाँ वो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव है, टिटरियर एग्जीक्यूटिव है, और हर स्थिति में वो एक टिटलर एग्जीक्यूटिव ही है, नाम मात्र का ही कार्यपालक होता है। किंतु संविधान में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं आजादी के बाद, अब ये तो सरकार बनाने वाले दूसरे तरह के बवाल पैदा हो गए, लेकिन संविधान में ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं थी जहां गवर्नर पर विवेकाधीन शक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग करने का भार था, नए राज्य का निर्माण होना है, कोई ऐसी परिस्थिति है। गवर्नर की भूमिका को लेकर के जो स्टडी की गई उसमें सबसे पहले सरकारी आयोग का नाम आता है। सरकारी आयोग ने इनको एक सजेशन, चार सजेशंस दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, अगर वो ना हो तो प्रीपोल अलायंस हो, वो ना हो तो फिर जिसका सबको समर्थन हो, सबका समर्थन जिसको हो, और चौथा था कि फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो। ये जो एस आर बोम्मई केस जो था ये मूल रूप से अनुच्छेद 356 के प्रवर्तन को लेकर के आया था जजमेंट, और इसमें गवर्नर की भूमिका को बड़े ही समावेशी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था। अच्छा, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि दृष्टांतों के आधार पर यहाँ पर निर्णय संभव नहीं है। अगर हम दृष्टांतों की बात करेंगे तो जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने कहा, कांग्रेस ने इतने भयंकर दृष्टांत पैदा कर रखे हैं कि अगर अब वो आलोचना कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। आलोचना करने का अधिकार है, नैतिकता का प्रश्न उठाने का अधिकार है, ठीक है। दृष्टांत अच्छे इन्होंने नहीं दिए, इन्होंने दृष्टांत अच्छे नहीं दिए, इसी गुजरात का ही दृष्टांत है। और ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अब जब संविधान पे गवर्नर की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जितनी बार भी ये मामला गया, आरएस सरकारिया और एसआर बोम्मई केस में जो बहस हुई, उन सभी ने गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ये विवेकाधीन शक्तियों की बात है। अब अगर आप ये मानते हैं कि अब गवर्नर, मान लीजिए कि मैं गवर्नर हूं तो मैं करूं क्या, पहली स्थिति मेरे सामने ये खड़ी है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी है जो कि 2% ज्यादा वोट लेकर के आई है, वो जनादेश जब लेने गई थी तो इनके खिलाफ लड़ी थी। दूसरा विकल्प उसके सामने ये है कि एक अलायंस है जो पोस्ट पोल अलायंस है और जो एक दूसरे के खिलाफ जनादेश लेकर के आया हुआ है। तीसरी समस्या ये पैदा हो गई है कि सबसे छोटे राजनीतिक दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, जो अगर मैं समझता हूं कि अगर ये जो जेडीएस थी अगर इसने कांग्रेस को समर्थन दे दिया होता और उस स्थिति में अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता तो इस समय अगर अलायंस की आप बात कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस ना दिखाई पड़ता। गवर्नर के सामने एक चुनौती ये खड़ी है कि ये अलायंस पूरी तरह से अपॉर्चुनिस्टिक दिख रहा है, क्यों सबसे छोटे राजनीतिक दल के व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। अब रह गया कि गवर्नर को पहले किसने दिया कि आप हमें बुलाइए, अगर हम पहले भी इनविटेशन दें या बाद में भी इनविटेशन दें, मणिपुर और गोवा के दृष्टांत बार बार यहाँ पे चर्चा में आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ वहां कोई एप्लीकेशन देने नहीं गया था,
कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए। अच्छा। कोई समर्थन पत्र नहीं दिया था। अब अगर आज राजनीतिक स्टंट आप खड़ा करिए कि हम बिहार में और गोवा में जाकर के अब हम फिर से सरकार बनाने के लिए दावा क्लेम करेंगे तो आप रोज मणिपुर के बारे में आप गलत कह रहे हैं। अभी किसी न्यूज चैनल में था, आप बैठ लीजिएगा, आपकी सुनिए सत्य मानी जा सकती है, लेकिन मणिपुर में सबसे पहले कांग्रेस खड़ा कर लेने दीजिए। आप गलत गलत उदाहरण मत, 2% गलत गलत बात मत करिए, आप सही बात करिए, बड़े धैर्य पूर्वक सुनी जाएगी। गोवा में निश्चित रूप से कांग्रेस पहले नहीं गई थी, मणिपुर में गई, लेकिन भाजपा जो है इस समय जिस अहंकारी उसमें डूबी हुई है, मणिपुर में सरकार जबरदस्ती केस में ली गई। सुनिए, एसआर बोम्मई केस के जजमेंट में बात ये थी, एसआर बोम्मई केस के जजमेंट में ये बात थी कि फ्लोर टेस्ट होगा। क्या ऐसे दृष्टांत नहीं है क्या कि फ्लोर टेस्ट के बाद भी सरकार गिर गई और इस आधार पर गिर गई कि असेंबली में लड़ाई हुई थी? इसी गुजरात का 1996 का दृष्टांत है मेरे पास, गुजरात का दृष्टांत है, जब कृष्ण ये कृष्णपाल सिंह वहां पे गवर्नर थे, उन्होंने इस आधार पर असेंबली को सस्पेंशन के लिए कर दिया था, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, 1996 उन्होंने इस आधार पे कह दिया कि साहब जो है वो पैंडेमोनियम हुआ था असेंबली में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर है, और 15 मिनट के अंदर वहां पर 356 लग गया था, याद करिए। तो ऐसे दृष्टांतों से देश नहीं चलेगा। हाँ, अब ये रह गया कि भाई बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों को असंवैधानिक नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? जस्टिस जेबिल मान लिया है, जस्टिस जेबिल 356 के संदर्भ में एसआर, हाँ, गवर्नर की शक्तियों को, गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं हटाएगा, बिल्कुल देखेगा कि कभी भी नहीं हटाएगा। देश को हमेशा जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की, एक सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है, ऑब्जर्वर बैठा था, आप गलत बोल रहे हैं भाई। अब एसआर मुंबई को एक चीज कर दे, एसआर मुंबई के केस में बताइए, जस्टिस जेबिल है, एक चीज बता दे, एसआर मुंबई के केस में एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था, संवैधानिक बात हो रही है, बहुत बड़ा प्रश्न आया था कि गवर्नर का डिस्क्रिशन या यूनियन कैबिनेट का डिसीजन, क्योंकि संविधान में एक संवैधानिक व्यवस्था है कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आर्टिकल 13 क्लाज 2 जुडिशियल रिव्यू का है, हम देखेंगे कि जो सरकारें बर्खास्त की जा रही हैं वो मालाफाइड इंटेंशन से बर्खास्त की जा रही है या बोनाफाइड इंटेंशन। दूसरी बात हम बता दें, देखिए जब ऐसा मुंबई केस की बात हो रही है तो चीजों जान लें। दूसरी बात, दूसरा उस कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है एविडेंस एक्ट में, तो हम इसे जनता को नहीं बताएंगे, लेकिन कोर्ट को अधिकार है कि कोर्ट ये देखे कि यूनियन कैबिनेट कहीं ऐसा तो नहीं कि काजू खाते हुए और सरकार गिरा दिया उन्होंने, देखा जाएगा इंटेंशन। ब्रजेश मिश्रा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपने अभी एक तरीके से आपने वकालत की कि नहीं, जो जो गवर्नर का विवेकाधीन जो अधिकार है वो होना चाहिए उनके पास, और कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन भाई हम ये जो बार बार हम इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, बार बार हम इस तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, भाई इससे इसका भी तो कोई रास्ता निकलना चाहिए ना। देखिए भाई, हम सुधार चाहते हैं कि नहीं, कि हम सिर्फ राज्यपाल के विवेक पे सारा कुछ छोड़ देंगे कि भाई कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे सरकारें बनेंगी। इस मामले में चर्चा हुई थी जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक आयोग की नियुक्ति की थी जो कि संविधान पुनरीक्षा समिति के नाम से जानी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, और कई आर्टिकल्स उनके छपे थे एडिटोरियल्स में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिसमें उन्होंने अध्यक्षीय शासन प्रणाली की वकालत की थी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली की वकालत की थी। तो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में जो असुविधाएं व्याप्त हैं उसको लेकर के उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि इसको हम अमेरिका जैसी राजनीतिक प्रणाली की ओर ले जाएं और इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में परिवर्तित कर दें, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी राज्य और संघ के समक्ष, न राष्ट्रपति के समक्ष उत्पन्न होंगी, न इनके समक्ष उत्पन्न होंगी। लेकिन उस पर जो है उस जमाने में नहीं, काफी अगर ये तो एक पूरी तरह से व्यवस्था को एक नई दिशा देने की बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो राजीव गांधी जी का भी है, राजीव गांधी जी ने जो दल बदल कानून जो है लाने का प्रयास राजीव गांधी जी ने किया, ये भी एक स्वच्छ प्रयास था, और मुझे लगता है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया। जो संशोधन हुए उससे दल बदल के अब देखिए मैं बहुत लगाम भी लगा। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, देखिए जहां तक हम लोग जो सरकारिया कमीशन, ये जो हम लोग एसआर बोम्बई केस की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 356 के प्रवर्तन के विषय में ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 356 के यूजेस को, 74 में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर शुड बी रीजनेबल नेक्सस बिटवीन सैटिस्फैक्शन एंड द रियलिटी, है ना, वो उसने कहा। के शुक्ला, क्या
आपको अभी भी ये विश्वास है कि आप ये जो आपने सरकार बना लिया है उसके बहुमत भी हासिल कर लेंगे आप वहाँ कर्नाटक में? देखिए रंजीत जी, और ये भी कि बिना किसी तरह के खरीद फरोख्त के काम होगा? देखिए रंजीत जी, अभी जितने संविधान विशेषज्ञों ने और जानकारों ने अपनी बात रखी उसमें से जो ध्वनि निकली उसमें यही निकली कि या तो प्री पोल अलायंस हो उसको बुलाया जाए या सबसे बड़े दल को बुलाया जाए। बिल्कुल फर्स्ट, और जब ये दोनों स्थितियां ना हुए तो जो बाद में पोल बनता अलायंस होता है उसको भी बुलाया जाए, जो नेचुरल अलायंस होता है तो। लेकिन अब देखिए यहाँ पर लेकिन किसी भी हर अलायंस हुआ था प्री पोल कुछ और नहीं किया जाना चाहिए कि वो जो सरकार बनाने का जो पूरा प्रयास होगा वो स्वच्छ होगा और उसमें किसी तरह की खरीद फरोख्त और किसी तरह का किसी तरह की। भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण पेश किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो एक वोट से सरकार चली गई थी, उन्होंने कहा हम अब लोहे के चिमटे से भी भ्रष्टाचार को अपनाकर सरकार को बचाने का प्रयास नहीं करने देंगे, हम ऐसी सरकार को लोहे के चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। ये उदाहरण अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी ने दिया। देखिए भाजपा ने तो भ्रष्टाचार करती है, वो स्टैंडर्ड करने देती है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा कर्नाटक में ना। हाँ बिल्कुल, अटल जी जैसे नेता से पहले हमको ये बताइए, अटल जी जैसे नेता से कांग्रेस का माल, कांग्रेस के जो माल है बिका हुए क्या, कांग्रेस के विधायक बिका हुए क्या, क्या मंडी लगाए बैठे हुए हैं? आओ हमें खरीदो, आओ हमें खरीदो। के बल पे अगर सरकार बनाना होता आप हर सरकार को आप अपने माल को बचाइए, अपने कार लगाए हैं मंडी ठेले में पैर घूम रहे हैं, ये कि हर माल लगाए तो सारे भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ अंतरात्मा नहीं काम करेगी, यहाँ सब। अरे अंतरात्मा तो इंदिरा गांधी जगा गई थी भैया, आप नेता बुजुर्ग आदमी है, इंदिरा गांधी आपके अंतरात्मा जगा गई है। ठीक बात है, तो अंतर आत्मा, लेकिन आपके अपने विधायकों को भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, अगर अंतर आत्मा की आवाज कहीं होगी जाए तो आपकी आप ही विधायकों की जागेगी भाई, उनकी दवा उनकी आवाज को दबाए रखना है आपको, अब वो कैसे दबाएंगे, अब आप चुनौती आपके सामने। हमारी कोशिश यही है कि हमारे विधायक हमारे साथ रहे, आज पूरे धरने में हमारे साथ रहे, उसके बाद विधायकों को जहां ले जाएगा वहां सारे, एक आदमी बीमार पड़ के बाहर, देखिए इनके भाजपा के प्रवक्ता एक चैनल पे सुनिए आप तक उनकी अंतरात्मा की आवाज, प्रवक्ता सोनकर साहब चैनल में सुबह एबीपी पे दिखाया गया कि दो निर्दलीय विधायक पे बैठे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो निर्दलीय विधायक हैं और कांग्रेस के साथ दफ्तर बैठे। अरे भाई ऐसा तो ये पेश कर चुके हैं, जो सामने दिख रहा है चैनल पे उसको मानने को तैयार नहीं है, और जो चार गायब नहीं है उनको ये बता दे रहे हैं कि चार गायब हमारे पास ठीक है, तो इनके हिसाब से इनकी सहूलियत के अनुसार अब सरकारें बन रही है वहाँ और वो सहूलियत का जो जरिया बनता है वो अक्सर राज्यपाल ही बनता है, जिनके जिनके पास जिस इतना विवेकाधीन और इतना इतने सारे अधिकार हैं, डिस्क्रेशन है, और उसका कई बार जो इस्तेमाल होता है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। राज्यपाल ठीक है राज्यपाल को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक स्थायी सरकार बने, लेकिन वो सरकार सही तरीके से बने ये भी उतना ही जरूरी है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कर्नाटक में राज्यपाल इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। इस बहस में आज इतना ही, आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।